हे गाइस, वेलकम टू आवर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस। इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन हमने डिस्कस किया था क्लास 11th की वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या मान के चलते हैं, इसके लिए हम मान के चलते हैं कि हमारे पास दो बॉडीज दी गई हैं। फर्स्ट बॉडी हमारे पास दी गई है ए, जिसका मास हमारे पास हम मान रहे हैं m1 है, और वो ट्रेवल कर रही है u1 वेलोसिटी के साथ। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं जो यू ए है हमारे पास वो क्या कर रहा है, u1 वेलोसिटी के साथ चल रहा है। और कहाँ पे जाके रुक रहा है, वो जाके रुक रहा है हमारे पास बी के ऊपर। बी हमारे पास क्या है पड़ा, एक अदर पार्टिकल है पड़ा, जिसका मास हमारे पास m2 है पड़ा। और जो बी है वो हमारे पास एक तरह से क्या है पड़ा, टारगेट है, जो कि हमारे पास क्या है पड़ा, रेस्ट में। हम ये मान के चल रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। अभी आप ये चीज़ ना एज्यूम करो, आप जस्ट इतना लेके चलो कि हमने एक टारगेट लिया है बी, जिसके ऊपर ये आ रहा है। अब आप देख सकते हो हमने ये बी टारगेट लिया। अब आप देखो कि जैसे ही ये इसके साथ कोलाइड हुआ, इसके बाद ये क्या हुआ, ये दो पार्ट्स में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है ए पार्टिकल, और यहाँ पर हमारे पास क्या है बी पार्टिकल। ठीक है, जब वो ए पार्ट में चला गया तो उस कौन सी वेलोसिटी के साथ गया, वो v1 वेलोसिटी के साथ, और जब वो सेकंड में गया तो कौन सी वेलोसिटी के साथ गया, v2 वेलोसिटी के साथ। जो हमारे पास ये वाला पार्ट है, ये हमारे पास क्या है, बिफोर कोलिजन, और हमारे पास ये जो पार्ट है जिसमें ये क्या हो रहा है, टू पार्ट्स में जा रहा है, ये हमारे पास कौन सा पार्ट है, आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अगर हम इसको लेके चले, 2D है तो हम xy प्लेन मान के चले, तो अगर हम इसको इस तरह से कुछ ड्रॉ करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, x एक्सिस के इधर जस्ट अपोजिट हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव x एक्सिस, और यहाँ पे ऊपर की तरफ हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे हमारे पास क्या होती है y एक्सिस, और हमारे पास नीचे की तरफ हमारे पास क्या होती है y डैश एक्सिस। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, अब हम फर्दर देखते हैं कि जब ये आफ्टर कोलिजन टकरा के जो ए पार्टिकल है वो इस वेलोसिटी के साथ मूव किया, तो उसने एक्स एक्सिस के साथ हम मान के चलते हैं एक एंगल बनाया है थीटा, और जब वो बी के साथ कोलाइड होकर जो बी पार्टिकल है नीचे की तरफ गया वेलोसिटी b2 के साथ, तो हम मान के चलते हैं यहाँ पे उसने एंगल बनाया फाई एंगल। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसको θ1 और θ2 एंगल का नाम भी दे सकते हो। जो हमारे पास यहाँ पे थीटा है पड़ा, थीटा हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, और फाई हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ रिकॉयल। जैसे कि हमारे यहाँ से देखने पे पता चल रहा है कि जो बी है हमारे पास टारगेट है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, काफ़ी कम होगी जो इनिशियल वेलोसिटी है। तो जो u1 हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या होगी, ग्रेटर देन u2 होगी। यहाँ पे हमारे पास u इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी। ठीक है, और जो हमारे पास v1 v2 होंगे वो हमारे पास रिप्रेजेंट करेंगे फाइनल वेलोसिटी को। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो इलास्टिक कोलिजन होता है, जैसे इलास्टिक कोलिजन है उसमें हमारे पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, कंजर्व होती है। कंजर्व होने का मतलब क्या है कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या रहती है, सेम रहती है। दैट इज़ आप बिफोर कोलिजन अगर हम बात करें तो क्या रहेगी, 1/2 m1 u1 square प्लस में 1/2 m2 u2 square। यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 m1 v1 square प्लस में 1/2 m2 v2 square। 1/2 सब में से कॉमन आ जाएगा तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, m1 u1 square प्लस में m2 u2 square इज इक्वल में क्या आ जाएगा, m1 v1 square प्लस में m2 v2 square। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 1। ठीक है, हम जानते हैं कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम होता है वो भी क्या होता है, कंजर्व होता है। लीनियर मोमेंटम भी हमारे पास कंजर्व होता है, क्या होता है, mv, यही होता है ना। तो क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस में m2 u2 इक्वल में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने एंगल लिया था थीटा और फाई, एक बार फिगर देखो, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने थीटा और लिया था और फाई लिया था, तो हमने उसको यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी के साथ इंक्लूड क्यों नहीं किया। जो थीटा एंगल है और फाई एंगल है वो किसकी वजह से बन रहा है, फाइनल वेलोसिटीज की वजह से बन रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो कि इस पार्ट की वजह से नहीं बन रहा, इस पार्ट की वजह से बन रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी में थीटा और फाई का क्या काम है, इसी वजह से हमने m1 + u1 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम v के टर्म में लिखे तो क्या करेंगे, m1 v1 cos थीटा प्लस
एम टू वी टू कोस फाई। एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करो, आप लोग सोच रहे होगे कि मैंने थीटा ही क्यों लिया, मतलब कोस थीटा ही क्यों लिया, क्योंकि लीनियर मोमेंटम जो मैं ये ले रही हूँ मैं एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। एक बार दोबारा देखो डायग्राम में, जो थीटा एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग बन रहा है, एक्स एक्सिस के बीच के ऊपर आ रहा है, और जो फाई एंगल है हमारे पास वो हमारे पास क्या है, वो भी एक्स एक्सिस और वाई के प्लेन में लाई कर रहा है। मतलब अगर आप यहाँ से इसको देखोगे तो जो हमारे पास थीटा एंगल है वो लाई कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, लेकिन अगर हम बात करें फाई की, जो फाई एंगल है वो लाई कर रहा है एक्स वाई डैश प्लेन में। ठीक है, जब भी हम एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल लेके चलते हैं वो हमेशा कोस लेके चलते हैं। तो एम वन वी वन कोस थीटा प्लस में एम टू वी टू कोस फाई। अगर अब मैं बात करूँ वाई एक्सिस के अलोंग लेने की, तो वाई एक्सिस के अलोंग मैं लेती हूँ एम वन वी वन साइन थीटा माइनस एम टू वी टू साइन फाई इक्वल में ज़ीरो। ये होगी इक्वेशन टू, ये होगी इक्वेशन थ्री। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है मैंने साइन के रिस्पेक्ट में तो ले लिया, लेकिन मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लिया, ये माइनस किस वजह से आया है? ये माइनस आपके पास आया है वाई डैश एक्सिस की वजह से, क्योंकि वाई डैश एक्सिस हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव होती है। वाई डैश एक्सिस जो हमारे पास होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। जो फाई एंगल हमारे पास बन रहा है वो एक्स के एंड वाई डैश एक्सिस के बीच में बन रहा है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव है। यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक्स एंड वाई के बीच में बन रहा था। एक चीज़ और जो आप लोगों को डाउट में आ सकती है कि मैंने यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटीज वाली टर्म ज़ीरो क्यों ले ली। देखो डायग्राम, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है नीचे की तरफ बात करूँ, क्योंकि फाई एंगल नीचे की तरफ बना है, हमारे पास क्या हो रहा है, वेलोसिटी इस तरह से जा रही है। इनिशियल वेलोसिटी किसके ऊपर लाई कर रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है। इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के ऊपर तो लाई नहीं कर रही, तो हम यहाँ पे किसके अलोंग निकाल रहे हैं, वाई एक्सिस के अलोंग लीनियर मोमेंटम निकाल रहे हैं। तो वाई एक्सिस के अलोंग आपकी वेलोसिटी दे रखी है फाइनल, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी तो नहीं दे रखी ना, तो इसी वजह से हम इनिशियल वेलोसिटी को यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, जीरो मान के चलेंगे। ठीक है, ये बात समझ आई। मैं दोबारा बता देती हूँ, जब हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, जब हमने एक्स एक्सिस लिया तो हम इस लाइन को कंसीडर कर रहे हैं, वाई एक्सिस में आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इसलिए हम यू वन और यू टू को वाई एक्सिस में जीरो लेके चलते हैं। सो गाइस, जो हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशंस ली हैं, उन इक्वेशंस को यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं थीटा की भी और फाई की भी। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे स्पेशल केस की, मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। स्पेशल केस में मैं अगर बात करूँ, ठीक है स्पेशल केस में हम मान के चलते हैं कि जो यू वन वेलोसिटी थी वो यू के इक्वल है, और जो यू टू था वो हमारे पास क्या था, काफ़ी स्मॉल था यू वन के कंपैरिजन में, जो इनिशियल वेलोसिटी बी की थी, क्योंकि जो बी था हमारे पास क्या था, रेस्ट में था, और क्या था वो, टारगेट था। तो यू टू तो हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो। अब आप क्या करो, इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जब आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो आपका क्या आएगा, वी वन स्क्वेयर प्लस में वी टू स्क्वेयर इज इक्वल में यू स्क्वेयर, या आपकी आगे फोर्थ इक्वेशन। अगर हम इसी इक्वेशन को पुट कर दें इक्वेशन टू में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी वन कोस थीटा प्लस वी टू वी टू कोस फाई इक्वल में यू, या आपकी आगे फिफ्थ इक्वेशन। अगर आप इसको पुट कर दो थर्ड इक्वेशन में, ये जो हमारे पास है, इस चीज़ को इन तीनों इक्वेशंस में पुट कर दो, तो आपके पास क्या आएगा, वी वन साइन थीटा माइनस वी टू साइन फाई इज इक्वल में ज़ीरो। ये क्या आ गई आपकी, सिक्स्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन आ गई, फिफ्थ इक्वेशन आ गई, एंड आपकी सिक्स्थ इक्वेशन आ गई। अब हम इसको यूज़ करेंगे। आप लोग अगर फिफ्थ इक्वेशन को फिफ्थ इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन में देखो, रिलेट करके देखो, तो यहाँ पे क्या है, यू वन यू स्क्वेयर, और यहाँ पे क्या है यू। अगर हम इस वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दे, तो जैसे कि मैं बताती हूँ, यूजिंग इक्वेशन फिफ्थ इन फोर्थ, अगर हम फिफ्थ इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं फोर्थ इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी वन स्क्वेयर प्लस में वी टू स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा, वी वन कोस थीटा प्लस में वी टू कोस फाई के। मैंने क्या किया, यू की वैल्यू को यहाँ से उठा के यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया मैंने यू की वैल्यू को, ठीक है, इसका स्क्वेयर। अब यहाँ पे खोल दो, तो आइडेंटिटी लगा के ए प्लस बी होल स्क्वेयर क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, यही आएगा ना हमारे पास, ठीक है हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हम और क्या कर सकते हैं, अब हम ऐसे कर सकते हैं, जो वी वन वाली टर्म है उनको एक तरफ कर दे, वी टू वाली टर्म को एक तरफ कर दे, ठीक है कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी वन स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, वन माइनस कोस्केयर थीटा प्लस में वी टू स्क्वेयर वन माइनस कोस्केयर फाई इज इक्वल में क्या आ जाएगा, टू वी वन वी टू
कोस थीटा इंटू कोस फाइव। अब देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है आप लोगों का, वन होता है ना, तो वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो वी वन स्क्वेयर साइन स्क्वायर थीटा, सिमिलरली वी टू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई इज इक्वल में सेम यही वाली चीज़। अब हम उसके बाद और क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर आप लोग देखो तो हमारे पास ये जो सिक्स्थ इक्वेशन आई थी, सिक्स्थ इक्वेशन में हमने क्या कहा था कि जो वी वन साइन थीटा माइनस वी टू साइन थीटा है हमारे पास, वो क्या है, जीरो की इक्वल। तो मैं इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिख सकती हूँ कि वी वन साइन थीटा इक्वल है वी टू साइन फाई के, लिख सकते हैं ना। तो इस चीज़ को अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्टार। तो यूजिंग स्टार इक्वेशन हेयर हमने क्या देखा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी वन स्क्वेयर प्लस में क्या आ जाएगा, वी टू स्क्वेयर, हमारे पास यही आ जाएगा ना। अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी वन स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस में वी वन स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थी फाई, यह हम थीटा लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, स्टार इक्वेशन को यूज़ किया, तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू वी वन वी टू कोस थीटा इंटू कोस फाई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टू वी वन स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल में क्या आ जाएगा, टू वी वन वी टू कोस थीटा कोस फाई। अब हमारे पास क्या होगा, टू से टू क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक वी वन से एक वी वन कट जाएगा। तो हमने क्या किया, टू से टू काट दिया और हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब मैं यहाँ से अगर कोस थीटा की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या आ जाएगी, कोस थीटा की वैल्यू वी वन साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइड में वी टू कोस फाई, यही आ जाएगी ना हमारे पास वैल्यू। ये हमारे पास क्या आ गई, कोस थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास ये जो कोस थीटा की वैल्यू आई है, हम मार को निकालना क्या है, फाई एंगल भी तो निकालना है, निकालना है ना हमें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी कोस थीटा प्लस में फाई, ये आप लोग लिख सकते हो, कोस ए प्लस में बी भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आइडेंटिटी की बात करें तो वो इक्वल होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी के, ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है। हम मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कोस थीटा कोस फाई माइनस साइन थीटा एंड द साइन फाई, ठीक है, हमारे पास यही चीज़ आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी को लेके चलेंगे, ठीक है। जब हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अब हम बात करते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस इक्वेशन की, जो हमारे पास इक्वेशन हैश है, इस इक्वेशन की बात करेंगे हम हमारी सिक्स्थ इक्वेशन के साथ, जो कि हमारी थी पड़ी वी साइन थीटा माइनस वी टू साइन फाई इज इक्वल में ज़ीरो, ये हमारे पास क्या थी, सिक्स्थ इक्वेशन थी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते टाइम हम क्या देखेंगे, देखो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, कोस थीटा प्लस में फाई, इसी को यहाँ पे यूज़ करो, जो हमने ये आइडेंटिटी ली है इसके अंदर वैल्यू पुट करो। आपके पास कोस थीटा की वैल्यू निकल के आ गई है, तो पुट करो वी वन बाय में वी टू साइन स्क्वेयर थीटा बाय में कोस फाई, कोस फाई को एज इट इज कोस फाई रखते हैं हम, माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा इंटू में हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे साइन फाई, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या रख दी, इसकी वैल्यू रख दी। अगर अब हम बात करें यहाँ पे, हमने जब इसकी वैल्यू निकाली थी, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू निकालना चाहूँ तो गाइस हमने क्या किया, जो साइन थीटा है और हमारे पास साइन फाई है, इन दोनों में से अगर हम एक की वैल्यू ऊपर वाली सिक्स्थ इक्वेशन से निकाल लें, यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ साइन फाई की, तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, वी वन साइन थीटा इक्वल में क्या, बाय डिवाइड में क्या आ जाएगा, वी टू, यही वैल्यू आएगी हमारे पास। हम इस वैल्यू को यहाँ पे क्या कर देते हैं, पुट वी वन बाय में वी टू साइन थीटा इंटू में ये वाला साइन थीटा, ठीक है। अब हमारे पास कोस फाई से कोस फाई चला गया, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, वी वन बाय वी टू साइन स्क्वेयर थीटा, और माइनस में क्या आ गया, वी वन बाय में वी टू साइन स्क्वेयर थीटा, तो हमारे पास कट गया दोनों टर्म, तो आंसर क्या आ गया, ज़ीरो। अब हमारे पास क्या आया, कोस थीटा प्लस में फाई, हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो। तो जो हमारे पास अगर हम बात करें यहाँ पे, ज़ीरो को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कोस नाइन्टी की आपको वैल्यू पता है क्या होती है, कोस नाइन्टी की वैल्यू होती है ज़ीरो, पता है ना आप लोगों को। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कोस नाइन्टी,
तो कोस से कोस क्या होगा, कट जाएगा, और हमारे पास थीटा प्लस में फाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो यही हमारे पास क्या था, रिजल्ट था। ठीक है, तो इस तरह से हमारे को क्या करना है, इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन निकाल के दिखाना है और एंगल के बारे में बताना है। अगर मैं जस्ट इससे अपोजिट बात करूं इन इलास्टिक कोलिजन की, इसकी डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो अगर मैं इन इलास्टिक कोलिजन की बात करूँ इन टू डायमेंशन, तो वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, वहाँ पर जो मैंने अपनी वीडियो डाली थी क्लास 11th की चैप्टर 4 की पार्ट 2, उसमें मैंने यहाँ पे इसका इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन बताया था। ठीक है, ये उसी से रिलेट होगा, इसमें कुछ ज़्यादा खास अलग नहीं होगा। बस इसमें फ़र्क किस चीज़ का आएगा, इसमें फ़र्क आएगा एंगल का। वो देखो कैसे, हम मान लेते हैं हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस। यहाँ पे हमारे पास एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहाँ पे हमारे पास क्या है, M1, जो कि ये पड़ा। अब ये क्या करेगा, ये कोलाइड करेगा एक M2 पार्टिकल के साथ, जो कि हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है M2 पार्टिकल। इनका मासेस दे रखा है, अब इसने क्या किया, इसके साथ टकराया और उसके बाद क्या हुआ, इस वेलोसिटी के साथ मूव कर गया कोलिजन के बाद। यहाँ पे हमारे पास कोलिजन के बाद क्या हो गया, कुछ इस तरह से मूव कर गया। ठीक है, तो किस वेलोसिटी के साथ उसने मूव किया, वी वेलोसिटी के साथ। आया किस वेलोसिटी के साथ था, U1 वेलोसिटी के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे एंगल बनेगा थीटा और यहाँ पे हमारे पास एंगल बनेगा फाई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास थीटा एंगल यही क्यों बना, थीटा एंगल हमारे पास ये वाला क्यों नहीं बना, क्योंकि क्या करेगा, एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है ना, तो ये नीचे की तरफ ही एंगल बनाएगा, ऐसे ही नीचे की तरफ जा रहा है तो एक्सिस के साथ ही एंगल बनाएगा। तो सिमिलरली जहाँ पे हमने वन डायमेंशन का यूज़ किया था, उसी कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे यूज़ किया। तो आप लोगों का यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या होता है, जो लीनियर मोमेंटम होता है कंजर्व होता है ना, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है यहाँ पे भी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, M1 U1 cos theta प्लस में M2 U2 M1 प्लस में M2 V cos phi। ये आपके किसके रिस्पेक्ट में हो गया, ये आप लोगों का हो गया x एक्सिस के रिस्पेक्ट में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे, मैंने इलास्टिक कोलिजन में तो नहीं लिया, लेकिन मैंने M1 U1 के साथ यहाँ पे cos theta क्यों लिया, क्योंकि आप देख सकते हो कि जब वो U1 वेलोसिटी के साथ आ रहा है तो वो एक एंगल बना रहा है, कौन सा एंगल बना रहा है, थीटा। तो यहाँ पे हमने लिया M1 U1 cos theta, और M2 U2 के साथ यहाँ पे इस पॉइंट पे कुछ नहीं बना रहा, तो M2 U2 हो गया इज इक्वल में। यहाँ पे क्या है, दोनों मास है बड़े प्रेजेंट, M1 भी है और M2 भी है, तो M1 प्लस M2 into V क्या है, वेलोसिटी, और एंगल कौन सा बन रहा है, cos phi। अब मैं बात करूँ अगर वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस पे मैं देखती हूँ क्या होगा, वाई एक्सिस पे जैसे कि आपको पता है कि क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा प्लस वाई एक्सिस पे हम यहाँ पे क्या देखते हैं, नीचे की तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पे U2 की वैल्यू क्या है, 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, M1 प्लस में M2 V साइन फाई। ये आप लोगों की सिर्फ थोड़ी सी दो इक्वेशन बना के डायग्राम के साथ इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन बताया गया है। अगर आपके पास M1, M2 और U1, U2 की वैल्यू दे रखी है तो आप इजीली एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। सो गाइस, न्यूमेरिकल हमारे पास ये दे रखा है, एक बॉल है जो कि मूव कर रही है एक स्पीड के साथ, दैट इज ए बॉल इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड। सोल्यूशन में लिखते हैं, बॉल हमारे पास मूव कर रही है, एक बॉल, पहली बॉल जो हमारे पास U1 आपको दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड के, स्ट्राइक्स एंड आइडेंटिकल बॉल। आइडेंटिकल बॉल का मतलब क्या है पड़ा, आइडेंटिकल का मतलब दोनों के दोनों बॉल्स क्या है, सेम है, मतलब M1 इज इक्वल में M2 इज इक्वल में क्या दे रखा है, M दे रखा है आप लोगों को। अब एट रेस्ट, जो मतलब दूसरी बॉल है वो रेस्ट पे है, मतलब दैट इज U2 इज इक्वल में आप लोगों का क्या है, 0, सच दैट आफ्टर द कोलिजन द डायरेक्शन ऑफ ईच बॉल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। हमारे पास आपको एक एंगल भी दे रखा है कि दोनों के दोनों बॉल एंगल बनाएंगी 30 डिग्री, दैट इज थीटा 1 इज इक्वल में थीटा 2 आपको दे रखा है 30 डिग्री। आप ले सकते हो थीटा इज इक्वल में फाई इज इक्वल में 30 डिग्री आपको दे रखा है। ठीक है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, स्पीड्स ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन, मतलब आपको V1 कैलकुलेट करना है और आपको क्या करना है, V2 को लाइट कैलकुलेट करना है। अब आप देख सकते हो कि हमारे को एंगल का कॉन्सेप्ट दे दिया और कोलिजन दे दिया, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास किस चीज़ का कॉन्सेप्ट आएगा, यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा कोलिजन का इन द टू डायमेंशन। अब बात करेंगे कि इलास्टिक कोलिजन आएगा कि इन इलास्टिक कोलिजन आएगा, यहाँ पे हमारे पास हम देखते हैं कि कौन सा कोलिजन आएगा। ठीक है, मैं बताती हूँ, अब देखते हैं हमारे पास जो जो गिवन इक्वेशन है हम उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पे क्या बात की थी, हमने देखा था इलास्टिक कोलिजन में अगर हम बात करें थे डायरेक्शन ऑफ मोशन
डायरेक्शन ऑफ मोशन निकालेंगे अगर हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आई थी? हमारे पास इक्वेशन आई थी एम वन यू वन प्लस में एम टू यू टू इज इक्वल में एम वन वी वन कोस थीटा होता था, और साथ में क्या होता था एम टू वी टू कोस फाई, यही होता था। अब आपके पास एम वन तो दे रखा है एम, और यू वन आपको दे रखा है 9, मतलब 9, और यू टू आपको दे रखा है 0, तो ये टर्म तो क्या होगी 0। यहाँ पे एम वन और एम मतलब एम कॉमन ले सकते हो, वी वन कोस थीटा, तो मतलब कोस थीटा की आपकी वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, और यहाँ पे आपको वी टू की वैल्यू दे रखी है कोस, यहाँ पे भी 30 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9m इज इक्वल वे एम इंटू में आपका क्या आ जाएगा वी वन रूट 3/2 प्लस वी टू रूट 3/2, तो m से m गया, तो यहाँ से आपके पास रिलेशन आ जाएगा वी वन प्लस में वी टू इज इक्वल में 18√3। ठीक है, सेकेंड पार्ट अगर मैं बात करूँ वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पे मेरे पास क्या इक्वेशन आई थी? वहाँ पे मेरे पास इक्वेशन आई थी एम वन वी वन साइन थीटा माइनस एम टू वी टू साइन फाई इक्वल में 0। अब आपके पास इसकी वैल्यू दे रखी है साइन 30 डिग्री, और यहाँ पे एम टू एम है, यहाँ पे एम है, और ये क्या है वी वन, यहाँ पे क्या है वी टू, और यहाँ पे हमारे पास क्या है साइन 30 डिग्री। तो आप इसके अंदर से क्या क्या कॉमन ले सकते हो? आप इसके अंदर से कॉमन जो जो ले सकते हो कॉमन ले लो। तो यहाँ से जब आप एम को कॉमन लोगे तो 0 हो जाएगा, ऐसे आप साइन 30 को भी 0 के इक्वल ले सकते हो, तो क्या आ जाएगा वी वन माइनस वी टू इज इक्वल में 0, दैट इज वी वन इज इक्वल में वी टू। इस वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, दैट इज़ वी वन प्लस में वी टू इज इक्वल में 18√3 था, यहाँ पे रख दो वी वन प्लस में वी वन इज इक्वल में 18√3, दैट इज़ आपके पास क्या आ जाएगा 3√3 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास वी वन भी आ गया, वी टू भी आ गया 3√3 मीटर पर सेकेंड। तो गाइस कुछ इस तरह से आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे इलास्टिक कोलिजन के। अगर आप लोगों को अभी भी टू डायमेंशन के अंदर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।